गरीब का बस हाउस। मीरठ नाम के गांव में साहू नाम का प्रेसिडेंट हुआ करता था। वो बहुत नीच इंसान था, गरीब के घर को हड़प लेता था। ये जब चल रहा था तो उसके पास चावला नाम का गरीब व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चे के साथ आया। भाई, मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर कुछ तो दया दिखाओ भाई। उस गरीब कॉलोनी में मेरा घर मुझे दे दो भाई, प्लीज। क्या रे, मेरे ही घर के पास आकर मेरा घर तुम्हारा घर कर रहे हो? वैसे वो खुद के कमाए हुए थोड़ी है, मैंने ही तो सरकार से दिलवाए थे, अब मैं खुद ही वापस ले रहा हूँ। तो हम कहाँ रहे भाई? कोई पेड़ वगैरह देख लो, वैसे ये सबसे मुझे क्या, फिर कभी मेरे घर के सामने दिखाई मत देना, कहकर चले गया। बेचारा चावला कुछ नहीं कर सका तो एक पेड़ के नीचे ही अपने फैमिली के साथ रहने लगा। एक दिन उस गांव में कुछ स्टूडेंट्स आए। अब उन्हें पेड़ के नीचे रहने वाले चावला का परिवार नजर आया। उनके पास जाकर बात करने के बाद प्रेसिडेंट के किए धोखे के बारे में उन्हें बताया। देखिए भैया, अब दुखी मत होइए, हम आयरन के वेस्ट से अलग अलग किस्म के खिलौने बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपके लिए एक घर भी बना देंगे। माँ, इस गांव में हमारे पास कोई जमीन नहीं है, कहाँ बनाओगी? जमीन क्यों चाहिए भैया, आप ये पेड़ के नीचे जो है ना, वो काफी है, वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। फिर प्रिया और उसके दोस्त मिलकर एक क्रेन की मदद से एक पुराने बस को पेड़ पर चढ़ाकर कुछ दिनों तक सब बड़ी मेहनत करके सब मिलकर एक प्यारा बस हाउस बनाए। उसे देखने के लिए कई लोग आए। इस तरह पूरा बस हाउस बनने के बाद चावला का परिवार भी पूरे बस हाउस में घूमकर देखे, तब प्रिया और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किए। भैया ये लो आपका नया बस हाउस, इसमें सारे फैसिलिटीज हैं, आप आराम से रहना। हमारे प्रोजेक्ट के हिस्से में से सरकार से हमने सारे परमिशन भी ले लिए हैं, वही नहीं इससे आपके नाम पर रजिस्टर भी करवा दिया है। तब चावला का परिवार मिलकर तालियां बजाए। इतने में वहां आया साहू। क्या रे, तालियां बजा रहे हो? ध्यान से, कहीं हाथ और उंगली टूट ना जाए। वैसे इतना अच्छा घर रखने की तुम्हें क्या जरूरत है रे? कोई गरीब कॉलोनी में कचरे के डब्बे के बगल में टेंट डाल लेना। देखिए, अब से ये बस हाउस को मैं अपना गेस्ट हाउस बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। हेलो, इस गाँव के प्रेसिडेंट हो तो अपने आप को क्या राजा समझते हो? ये घर हमने चावला के लिए बनाया है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। है, मुझे प्रॉब्लम देने वाला इस गांव में ही नहीं है, देखते जाओ इस घर को कैसे हड़प लेता हूँ, कहकर अपने आदमियों को बुलवाया। अब उनके साथ मिलकर पेड़ पर चढ़ने वाला था कि वो बच्चे सब मिलकर उसे और उसके आदमियों को खूब मारे। तब वे वहां से भाग गए, फिर कभी उस बस हाउस से कोई पंगा नहीं लिए। कार वाला चैलेंज। एक समय की बात है, सुबोध नाम का एक अमीर आदमी था, बहुत गर्व था उसे। उसकी एक आदत थी, उसकी महानता सबको दिखाने के लिए एक कार खरीदकर पूरे गांव में उस कार को लेकर करता था। सामने कोई हो या ना हो, हॉर्न बजाता ही रहता था। एक बार सुबोध ने एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदी, वो सबको दिखाने के लिए हॉर्न बजाए जा रहा था। वो शोर से परेशान एक आदमी, अब्बा अब्बा, कौन है ये पागल, इतना हॉर्न बजाए जा रहा है, कौन है वहाँ पे जो ये हॉर्न बजा रहा है, कोई नहीं है ना? वो उसका पागलपन है, नई कार खरीदा ना, वो सबको दिखाने के लिए ये उसका प्रयास है, इसीलिए हॉर्न मार रहा है। और एक बार सुबोध अपने स्पोर्ट्स कार में एक स्कूल के रास्ते पर जा रहा था, सब टीचर्स और स्टूडेंट्स को उसकी कार दिखाने के लिए वहाँ पर हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न बजा रहा था, स्कूल के प्रिंसिपल तब वहाँ आकर, भैया यहाँ पर स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, आपको पता नहीं है क्या? ये मेरी कार है, मेरी मर्जी, मैं जो भी चाहूँ करूँगा, बोलने वाले आप कौन है? प्रिंसिपल ने लाचार होकर आखिर में पुलिस को कॉल किया और सब बताया। इतने में पुलिस जीप वहाँ आई। SI आकर प्रिंसिपल से, क्या हुआ प्रिंसिपल,
यहाँ क्या चल रहा है? उनको क्या पूछ रहे हो सर, मुझे पूछिए। और उसने सब एसआई से कहा। क्या रे, स्कूल के सामने आकर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ये तुझे मालूम नहीं है क्या? ये नो हॉर्न जोन है, पता नहीं तुझे? देखो एसआई, मैं कौन हूँ आपको पता है? इस गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ, मुझसे मत भिड़ो। कहते हुए वार्निंग दिया। मैं कौन हूँ पता है? तेरे जैसे लोगों की अक्कल टिखाने लगाने वाला पुलिस हूँ। कहते हुए लाठी से पीछे लगा। बस और क्या? सर सर, मुझे छोड़ दो सर, मैं ये स्कूल की तरफ फिर कभी नहीं आऊंगा। कहते हुए वहां से चला गया। और एक बार सुबोध उसकी स्पोर्ट्स कार लेकर गांव में जा रहा था। मन में सोच रहा था, अब से वो स्कूल की तरफ नहीं जाऊंगा, जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहीं जाकर करूंगा ये सब। जाते जाते उसको एक अस्पताल दिखा। सुबोध ने सोचा, अब्बा यही मेरा गोल्डन चांस है, यहाँ पर तो ढेर सारे लोग आते हैं। फिर से वो कार का हॉर्न बजाने लगा। तब एक डॉक्टर आकर, क्या है ये, यहाँ हॉर्न मत बजाइए, ये हॉस्पिटल है, पेशेंट्स रहते हैं, उनको डिस्टरबेंस होता है। क्या भैया, ये कोई स्कूल है क्या जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो उनको डिस्टरबेंस होगा? ये मेरी कार है, मेरी मर्जी। ऐसे पावर के साथ कहा। डॉक्टर ने तभी पुलिस को कॉल किया और कंप्लेन किया। एसआई फिर से वहाँ आकर, क्या रे, तुझे कितना भी कहे तुझे समझ में नहीं आता क्या? कहकर फिर से पीटने लगा। सर सर सर, मुझे जाने दीजिए सर, और एक बार अस्पताल की तरफ भी नहीं आऊंगा सर, स्कूल ही सोचा था मैंने, अस्पताल की तरफ आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगा सर। वहां से चला गया। वही गांव में रविकांत नाम का स्क्रैप वाला था। उसके गैराज से पुरानी कार्स को स्क्रैप में बेचता था। उसमें से एक पुरानी कार को रविकांत ने शॉपिंग मॉल के पास पार्क किया हुआ था। इतने में ही वहाँ अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर सुबोध आया। सुबोध को अपनी कार पार्क करने के लिए जगह न मिलने पर रविकांत की कार को देखकर, छी छी, ये खटारा कार को पार्किंग की क्या जरूरत है, सोचते हुए रविकांत से कहा, अरे भाई ये खटारा कार को निकालो, मेरी कार पार्क करनी है। मेरी कार मैंने यहाँ पार्क कर ली है जी, आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। क्या रे, तुझे इतना घमंड है कि तू मेरी बात को नहीं मान रहा है, मैं कौन हूँ पता है? कार का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। तब रविकांत अपने कान बंद करके, अरे रुक जाओ, बंद करो इसे, जोर से चिल्लाया। क्यों बंद करूं भाई, ये कोई स्कूल या हॉस्पिटल थोड़ी है, ये मेरी कार है, मेरी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, चुपचाप अपनी कार वहाँ से निकालोगे या नहीं, वरना मेरी कार के हॉर्न से तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी। ऐसे रविकांत को डराने की कोशिश कर रहा था। इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सोचते हुए फोन पर कहा, अरे यहाँ पे कोई मुझे चुनौती दे रहा है रे, अपने गैराज में जो भी कार्स है एक बार सारे यहाँ पर लेके आओ, कहकर फोन रख दिया। अरे तू पुलिस को कॉल करेगा सोच रहा था, तेरी खटारा कार्स लेके आने को कह रहा है, आने दो, देखता हूँ मैं। यूं डराने लगा। रविकांत के आदमियों ने तब पुराने कार्स को एक बड़े से ट्रक में लेकर आए। रविकांत ने तब क्रेन की मदद से पुराने कार्स का एक बड़ा सा दीवार बना दिया। दम है तो अब आकर दिखा, ये दीवार से टकरा कर जा, ऐसे कहकर चैलेंज किया। अरे ये मामूली आदमी नहीं है, अब अगर किसी भी तरह ये दीवार को टकराते हुए जाऊंगा तो वो खटारा कार्स मेरी कार के ऊपर गिर सकते हैं, फिर मेरी कार खटारा बन जाएगी। सोचकर लाचार होकर सुबोध रविकांत के पास आकर, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने अहंकार और घमंड से आपके साथ बात की, आज के बाद जहां मन हुआ वहां हॉर्न नहीं बजाऊंगा, ऐसे कहकर नमस्कार करते हुए वहां से चला गया। ट्रक हाउस। कार्तिक नाम के एक व्यक्ति के पास एक लॉरी हुआ करता था। हर दिन वो अपने गांव के पास पेड़ इत्यादि काटकर अपने लॉरी में डालकर शहर में बेचता था। एक दिन चौपाल के पास सरपंच गांव के लोगों से, देखिए सरकार ने हमारे गांव पर ध्यान देते हुए हमारे गांव को एक टूरिस्ट प्लेस में बदला है, उसे हमारे गांव में कई लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से हम गांव के पेड़ पौधे फूलों को तोड़ नहीं सकते, जहां मर्जी वहां घर नहीं बना सकते। तब कार्तिक वो सब सुनकर, श्रीमान हमारा गांव तरक्की करेगा ये सोचकर तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मेरे जैसे लोगों की क्या परिस्थिति होगी, जब 100 लोगों का भला हो रहा है तो 2-3 लोगों का नुकसान तो होगा ही, समझो तुम्हें किसी चीज की भी मदद चाहिए तो मैं करूँगा। कार्तिक नहीं समझ पाया कि वो क्या बात करे और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह कई सारे टूरिस्ट वहाँ आए।
सब गांव को देखकर वहां के पेड़ पौधे फूलों को देखते हुए आनंद उठा रहे थे घर में रहने वाला कार्तिक। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है। अब मैं इस लॉरी से क्या करूंगा। अगर बेचने की सोचूं तो पता भी नहीं कि कभी नया खरीद पाऊंगा भी या नहीं। बेचकर मिलने वाले पैसों से कोई व्यापार करने की सोचे तो भी क्या करूं, वो भी नहीं पता। यूं प्रार्थना करने लगा कार्तिक। इस तरह गांव की गलियों में जब घूम रहा था तो एक पेड़ के नीचे कुछ यात्री। अरे वाह, ये गांव तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत घूमना पड़ता है, इतना चला नहीं जाता। जहाँ भी जाने का सोचो तो सब इतना दूर है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और टॉयलेट्स भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है। यूं बात करने लगे। वो बातें सुनकर कार्तिक को एक उपाय सूझा। तुरंत अपने लॉरी के पीछे बहुत मेहनत से एक घर बनाया। अगले दिन उस ट्रक हाउस को जब गांव में घुमा रहा था तो सब उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। चौपाल के पास रोककर, आइए भाई आइए, ये है इस गांव का स्पेशल ट्रक हाउस, यही इस गांव की स्पेशलिटी है, द ट्रक हाउस। आपको जहां भी जाना है आप खुशी से इस ट्रक हाउस में बैठकर जा सकते हैं। जहां पर भी घूमना हो बहुत चलने की मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। महिलाओं के लिए सैनिटाइजेशन, टॉयलेट्स, सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है। पूरी फैमिली खुशी से एंजॉय करते हुए घूम सकते हैं। वो बातें सुनकर कई यात्री को ये आइडिया अच्छा लगा और सारे यात्री लाइन में खड़े हो गए। कुछ ही समय में वो ट्रक हाउस बहुत मशहूर हो गया। कार्तिक और 10 लॉरी खरीदकर वैसे ही 10 ट्रक हाउस बना लिया। उस गांव में आने वाले लोग उसके ट्रक हाउस का ही इस्तेमाल करने लगे। इस तरह उसकी होशियारी से, सद्बुद्धि से और समय का फायदा उठाते हुए कार्तिक ने अपना जीवन ही बदल दिया।